ए फेलक्स, चिमी चंगस खाने के बाद मैं जरा आ चुका हूँ। और मुझे नहीं पता कि चिमी चंगस कैसे बनाते हैं। बाकी मोमोज से ही काम चला रही हूँ मैं, मुझे लगा वही है वो। बाय द वे, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवीज में, मतलब ये एक ऐसी सीरीज जहाँ पर मैं अपने दुनिया भर के कॉमिक के बड़े बड़े इशूज़ को एक साथ लाता हूँ और मर्ज कर देता हूँ और एक शॉर्ट मूवी तैयार कर देता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत ही कम टाइम लगता है और मेरा पुराने काम का अच्छा यूज भी हो जाता है। ये उनके लिए है जो अखंड नल्ले होते हैं और इशूज़ को सही से खोज नहीं पाते, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिज्म महा चुटियाप्पा से भरा हुआ है। और ये वाला होने वाला है अल्टीमेट थॉर की कॉमिक सीरीज पर। तो अल्टीमेट थॉर जैसे कि नाम से पहचान रहोगे, मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से ये वाला थॉर बिलोंग करते हैं। और असल में ये एक फकिंग ह्यूमन है, इसके पास गॉड की कोई पावर नहीं है। इसको सुपर सोल्जर सीरम दे करके थॉर बनाते हैं और हाँ, ये एक अटे चूटिया इंसान है। सो इस वीडियो को देखने का एक ही मोटिव होना चाहिए आपका, मजे करो, लाइक हिम, ज़रा नहीं 150 लाइक है कंप्लीट कर दो, मैं थैंक यू बोलूँगा आपको अगले वीडियो में अगर कर दोगे तो, नहीं तो फक यू। अबे साले बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। क्या तुम्हें किस्मत पर भरोसा नहीं है भाई, या तुम भरोसा करते हो? यहाँ पर ये सिंबल्स, साइंस, लाइटनिंग के, ब्लैक सन के, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जो कहती हैं तुम अपनी किस्मत को कभी नकार नहीं सकते, उन्हें रोक नहीं सकते और ना ही उन्हें ठहरा सकते हो, क्योंकि डेट, धोखेबाजी और द ग्रेट फॉल, इन सब का अर्थ होता है रैग्नारॉक। इन सभी बर्बादियों को थॉर अपनी आंखों से देख रहा था। उसके मन में तो ऐसे ख्याल आ रहे थे कि अपनी आंखों को नोच करके निकाल डालूं, पर फिर भी वो कहता है ये सब कुछ चल रहा है, द होल ट्री जल रहा है, इसका मतलब यही है कि सब कुछ का एंड होने ही वाला है। प्रेजेंट में द डूम ब्रसिया हाई कमांड, यहाँ पर अभी एक साइंटिस्ट से यूरोपियन सुपर सोल्जर इन्वेस्टमेंट लॉग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर कुछ लिख रहा होता है और वो कहता है सब्जेक्ट की कंडीशन काफ़ी ठीक है, पर एक प्रॉब्लम आ रही है उसके स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर के। उसकी बिहेवियर कुछ ऐसी है जैसे हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। हमने जितना भी उसे हेल्प करने की कोशिश की हमने की, चाहे वो हमारे इनर सोर्सेज के जरिए हो या फिर आउटसाइड के सोर्सेज के जरिए, पर तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और उसका बेटा कहता है वो यहाँ पर है डैड। तब वो कहता है वंडरफुल, थैंक यू ब्रैन। और तब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं कैप्टन ब्रिटेन था जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स का था। वो आगे कहता है क्या आप श्योर है कि ये सब कुछ और आगे बढ़ सकता है? और तभी उस साइंटिस्ट कहता है देखो ये बस एक ऑप्शन है बेटे, अब मैं इस पर कितना आगे जाता हूँ ये मुझ पर बेस नहीं करता। उन अमेरिकन के कॉम्बिनेशन के जरिए हम काफ़ी कुछ डेवलप कर चुके हैं पहले ही, अब गवर्नमेंट से हमें इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी मिली है तो शायद हम और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं क्या के क्या चल रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। वो प्रोफेसर आगे कहते हैं तुम्हें याद है ना कि हम अभी तक जो कुछ भी कर चुके हैं वो उसके ऊपर परफेक्टली बैठे हैं, पर ये जो कुछ भी उसके साथ चल रहा है अभी हमें नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है, क्या इसके साथ सच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर टेक्निकली जो हम जेनेटिकली इंजीनियर जिसको कर रहे हैं स्पेसिफिकली इसके सूट को, तो ये इसके पास सूट तो कर रहे हैं पर क्या हो रहा है कि हमारे विक्टिम के साथ, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इसके साथ ये करी है, हमें ये जानना ही होगा। तब ब्रायन कहता है तो आपको लगता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता है? तब वो कहते हैं हाँ, ये मेंटल हेल्थ का एक एक्सपर्ट है और प्रोफेशनली यही हमारी मदद कर सकता है इस केस में। तो इसके बाद वो दोनों नीचे उतरते हैं और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक, और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। प्रोफेसर अपना नाम बताते हैं, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई है, मैं हूँ प्रोफेसर जेम पैदरॉक और ये है मेरा बेटा ब्रायन। ब्रायन उनसे कहते हैं थैंक यू डॉक्टर हमारे इस केस में मदद करने के लिए। तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं मुझे फॉलो कीजिए पेशेंट की ओर, और जब वो उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं तब ब्लेक उनसे पूछता है कि आप मुझे इसके कंडीशन के कोई अपडेट बता सकते हैं? तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं कुछ
हफ्तों पहले ये कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसा लगा कि बस ये ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं, रैंडमली सिंबल्स बना रहा है, और मुझे लगा कि ये इसके पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। पर जब ब्रायन ने उन सिंबल्स के पिक्चर्स लिए और उन्हें ईयू डिजिटल अचीव में डाला, तो हमें पता चला कि ये ज़्यादातर मैच करते हैं द प्योटिक एडा से, जो कि है पटवी ब्लेक कैरेक्टर द नॉर्थ मैथोलॉजी। और प्रोफेसर कहते हैं हाँ, तभी ब्लेक कहता है मुझे इससे अभी मिलना है। डोनाल्ड ब्लेक उस शख्स के पास आकर के उससे हेलो कहता है, तभी वो कहता है अच्छा तो उन लोगों ने अब तुम्हें भेजा है मेरी मदद के लिए, तुम एक और डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के जैसा मुझे लग रहा है। तब ब्लेक कहता है इसी के साथ और भी कई सारी चीज़ों का मैं एक्सपर्ट हूँ। तब वो शख्स कहता है आगे, अब जैसे कि तुम जानते हो कि मैं कोई पागल नहीं हूँ और तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आए हो डॉक्टर, पर मेरी बात कुछ ऐसी है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी डेस्टिनी है प्रोफेसर बैदरॉक, उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, मैं थॉर लीप गोल्डमैन हूँ। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, मैं हूँ थॉर गॉड ऑफ थंडर, और मैं इसी नाम से पुकारा जाना सही समझता हूँ जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। तब ब्लेक कहता है ऑफकोर्स, और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद के लिए, और मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ थॉर, और क्यों ना तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ। तब थॉर ने ब्लेक के पेन को मांगता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, क्योंकि ये वाला पेन बस खत्म होने ही वाला है और मेरा काम भी। तब ब्लेक उसे अपना पेन देता है और क्यों नहीं कहता है, और वो फिर आगे कहता है ये मुझे अधूरा सा लग रहा है। तब थॉर लिप कहता है ये इतना ही है जितना मुझे अभी तक याद आया है। तब थॉर लिप कहता है क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। तब ब्लेक कहता है हाँ, तो क्या है ये। तब ब्लेक कहता है वहाँ एक तूफान है जो अभी हमारी ओर आ रहा है। तब थॉर लिप कहता है हाँ हाँ वहीं तो। अब से काफ़ी वक्त पहले नॉर्थन वेस्टनवन कैसल में 1930 जर्मनी, इस वक्त हिटलर किसकी बात सुनकर कहता है 1,00,000 सैनिक, आखिर तुम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि हम ईस्टर्न और साउथर्न फ्रंट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और तुम्हें इस वक्त पूरे 1,00,000 सैनिक चाहिए एक सीक्रेट मिशन के लिए, क्या तुम मेरे पेशेंट की टेस्ट ले रहे हो। ऑटोमैन देखने की और कोई नहीं, जीमो था, जो कि कह रहा होता है वेल ऐसे में तो तुम शायद ही लकी होगी अपने वॉर को जीतने में, क्योंकि तुम जैसा बहुत ही बड़ा आदमी इस तरीके के चांसों कभी छोड़ नहीं सकता। तब हिटलर जीमो के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है जीमो मेरे पास तुम्हारे साथ ही खेल खेलने का कोई वक्त नहीं है। तब जीमो कुछ निकालता है, उसे दिखाता है जो कि एस्कार्डियन रून स्टोन्स थे। हिटलर ये देख करके चौंक जाता है और वो कहता है मैन ये तो। तभी जीमो कह रहे थे द लेजेंड ऑफ रिफिनिशर। तब हिटलर कहते हैं हाँ हिडन कोड, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये पोटैश एडा के मतलब ये तो एक बार इनका तभी कुछ काम हो सकता है जब तुम्हारे पास एक एक्सिस पॉइंट हो, ये सारे के सारे रूनस यूजलेस है जब तक तुम में से किसी को लोकेट नहीं कर सकते। तब जीमो कहता है कितनी किस्मत की बात है ना, मैंने ऐसा एक जगह ढूंढ लिया है। तभी हिटलर एक कॉल करता है और कहता है इमिडिएटली 100,000 सोल्जर्स को तैयार करो और उनका कमांडिंग दे दो बैरन हेनरी जीमो को। तब हिटलर कहते हैं तुम्हें तुम्हारे लोग मिल गए बैरन। कई सौ सालों पहले एस्कार्ड, अभी थॉर हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। और तब लोकी कहते हैं हमारे वेस्टर्न वॉल्स गिर चुके हैं और आईसी जायंट्स ऑफ ज्योथनलैंड अब वहाँ से तो बाहर आ चुके हैं और बैदलर अकेले उनके सामने खड़ा है। इस वक्त वो जायंस बैल्डर से कह रहे होते हैं इसके पास काफ़ी अच्छा दिल और साथ में बहुत ही खोलता हुआ खून है, इसे तो हम एक टब में डालेंगे और इसे बहुत तरीके से उबाल कर खाएंगे। तब बैल्डर कहता है इतने सालों की अनएंडिंग वॉर के बावजूद तुम फिर भी अपने इस घटिया चालू से बाज नहीं आते, तुम जानते हो कि तुम कभी जीत नहीं सकते, हम मैंस ऑफ एस्गार्ड कभी भी तुम्हें जीतने नहीं देंगे, पर तुम बार बार हमें टेस्ट करते हो, आखिर तुम इतना इंतजार क्यों करते हो, आओ और अपने आंसर्स लेके जाओ बीस्ट, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ ये आंसर्स तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। वो तीनों जायंट बेल्डर के ऊपर लड़ने जा रहे हैं पर तभी लोकी के तीर आकर के उन्हें मार डालते हैं और तब बेल्डर कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, और तब लोकी एक अजीब सा बहाना बनाता है किस तरीके से वो फ्लोक बैंगर के कई सारे लड़कियों के साथ घूम रहा था। पर तब थॉर कहता है कि हम दोनों चैन से पी रहे थे, ये हमेशा की तरह झूठी बोल रहा है, और इसके बाद वो सभी लड़ने लगते हैं उनसे एस्गार्ड के लिए, और इसी के साथ वो बाकी के जायंट से भी लड़ने लगते हैं। पर तभी एक जायंट आकर के लोकी को पकड़ लेता है और उससे कहता है हेलो हाँ ब्रीड,
तुम्हें पता है हमारे ग्रेट हॉल्स में तुम्हारी माँ हमें किस तरीके से कहानी सुनाती थी कि किस तरीके से उसने अपने पहले बेटे को एस्कार भेज दिया ताकि बिल्कुल शांति कायम हो सके। उसके लिए मैं तुम्हारा सेल लेकर के जाऊँगा और रिप्लेस करूँगा उस सैड सॉन्ग को एक सच्ची सैरों से। पर तब तक लोगी अपने चाकू तक पहुंच चुका था और इसके बाद हर कोई जानता है कि उस जायंट का क्या होता है। वहीं इस वक्त थॉर 3 जायंट से एक साथ लड़ रहा होता है और उनमें से 2 को हराने के बाद तीसरा उसके ऊपर थोड़ा भारी पड़ता है, पर फिर भी लोकी उसे बचा लेता है और वो कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि अपने पीछे भी थोड़ा ध्यान दिया करो थॉर। तब थॉर कहता है मैं जानता हूँ, वहाँ मुझे बचाने के लिए हमेशा तुम जो होगे। तब लोकी थॉर को उठाते हुए कहता है हाँ तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही किस्मत पर भरोसा है शायद, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक काम चलेगा। तब थॉर कहता है इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस की बात है, या तो कर दो या फिर मत करो, क्योंकि हम वॉरियर्स 3 हैं और हम किस्मत के नौकर नहीं हैं लोकी, और हमेशा हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तब लोकी कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है भाई, रैग्नारोक सच में है और वहाँ पर एक आखिरी दिन होगा हमारे लिए जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब ही बैटलर लोकी के ऊपर एक स्नो बॉल फेंक करके मारता है और कहता है हमेशा डरपोक और हमेशा की तरह बोरिंग। बैटलर उन दोनों को मिलाते हुए कहता है अरे रिजॉइन करो इस विक्ट्री को, हम लोगों ने आज आसान काम नहीं किया है और वैसे भी आज का दिन सन ऑफ ओडियंस का है। और इसी के साथ बैटलर और थॉर वहाँ जाने लगते हैं, पर लोकी उनसे कहता है हर साल हमारे इन वॉल्स पर अटैक बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस अनएंडिंग वॉर को जिता सकता है। तब बैटलर कहता है वहाँ है एक लोकी, मतलब मुझे एक सीक्रेट पता है, फादर कुछ बना रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि ओडिन इस वक्त यूलिक से कह रहा होता है उसे आग में डालो, यूलिक उसे इतना ज़्यादा टक्कर का बनाओ पूरे वर्ल्ड को क्रश कर दे, वो लाइटनिंग को समन करे, उसे म्योनिल का नाम दिया जाए, मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि परफेक्ट हो। ऑल फादर ओडिन तुमसे एक परफेक्ट वेपन चाहता है। 1939 नॉर्दर्न जर्मनी के नेबुल इलाके के पास इस वक्त बैरन की पूरी ऊपरी आर्मी आई हुई होती है, जिसमें से एक सोल्जर कहता है क्या तुमने पैरामीटर देख लिया। तभी एक सोल्जर जीमो के पास आकर के कहता है हमने कंट्रोल पिलर्स को लोकेट कर लिया है बैरन, अब उसके बाद जीमो कहता है तो स्टोन्स लेकर के आ जाओ। तब वो सोल्जर कहता है ये यहाँ पर है सर। तब बैरन उससे कहता है तो मुझे बताओ कि अब तक तुमने क्या सीखा है इससे हेलमेट। तब हेलमेट कहते हैं यहाँ पर 24 स्क्वायर रूनस हैं, एक रून एक स्पेसिफिक स्टोन पर है, सो इसका मतलब ये है कि 24 रूनस हैं और इन पिलर्स पर 3 स्टोन्स लगाने की जगह होनी चाहिए। और इस हिसाब से तभी बैरन कहते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें एक सीक्रेट वर्ड आना चाहिए जो कि मुझे आता है। और तब बैरन उन पिलर्स में से एक में अपना हाथ रखता है और रून लैंग्वेज में कुछ कहता है, तभी कई सारे पिलर्स वहाँ पर उठाते हैं और तब वो कहता है रेनबो गेट बस खुलने ही वाला है। और तब वहाँ खड़ा हुआ हेलमेट कहता है अनबिलीवेबल, पर बैरन आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टोन कहाँ फिट होने वाला है। तब बैरन कहता है ये गेट 7 रेल्स में से किसी में भी जाने का पोर्टल खोल सकता है। तब जीमो आगे कहते हैं एक स्टोन को कंजक्शन इसके 2 सिस्टर के साथ मिलता है, यानी कि जैसे कि ये है असियर सीक्वेंस और ये हमारे उस टारगेट को अजीब करने में मदद करेगा जिसका नाम है एस्कार्ड। हम अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर के उस गेट के अंदर जाएंगे जहाँ पर एक पोर्टल बनेगा और उस पोर्टल के जरिए हम अपनी आर्मी को मार्च करते हुए उन गॉड्स के रियल में लेकर के जाएंगे और उनके घर को तबाह करेंगे और यहाँ वापस आएंगे। पर उससे पहले तभी हेलमेट पूछता है क्या, तब जीमो कहता है एक दूसरा सीक्वेंस, इसका ये निचले वाला सीक्वेंस, हम सिर्फ अपने टैंक्स और गन्स के साथ वहाँ नहीं जा सकते, हमें ज़रूरत है कुछ साथियों की जो बिल्कुल हमारी तरह उनसे नफरत करते हों। और तब हम देखते हैं कि जीमो ने ज्योटा लाइन का पोर्टल खोल दिया है और वहाँ के आइस जायंट्स को अपने नारी सेना में भर्ती कर लिया है। द होम दरअसल फ्रेंड में यहाँ पर इस वक्त यूरोपियन सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश चल रही होती है और इसके हेड है प्रोफेसर बेडरॉक। प्रोफेसर बेडरॉक के मेन साइंटिफिक
थ्योरीज के हिसाब से टॉल लीप उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, और इस हिसाब से टॉल लीप की भी एक परेशानी होती है क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल परेशानियाँ होती हैं। वो अपने आप को डनॉस मैथोलॉजी का गॉड समझ रहा होता है जिसका नाम होता है थॉर, और इसी को एग्जामिन करने के लिए इस वक्त अल्टीमेट यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट साइकेस्ट्रिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आए हुए होते हैं। अब एक हफ्ता बीत चुका होता है और अब वो कहते हैं ऐसा लगता है कि आखिरकार मेरे पास आपके लिए कुछ आंसर है प्रोफेसर बेदराउक। तब प्रोफेसर बेदराउक कहते हैं हाँ मुझे भी लग ही रहा था क्योंकि लगभग एक हफ्ता बीत चुका और काफ़ी लंबा टाइम है ये चीज़ को एग्जामिन करने के लिए। तब ब्रायन कहता है तो ये मेरे फादर का तरीका है आपको थैंक यू कहने का डॉक्टर ब्लेक। और इसके बाद डॉक्टर ब्लेक उन दोनों को समझाते हैं किस तरीके से इसे किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इसकी जो पास्ट लाइफ है उसकी यादें इसको वापस आने लगी हैं अब, और इसी कारण से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसे किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पर एक तरीके के कह सकते हैं कि इसे काफ़ी हद तक नॉर्थ मैथोलॉजी के गॉड थॉर का ही रीबॉर्न माना जा सकता है। इस वक्त कोई कह रहा होता है एस्गार्ड के लोगों युद्ध के योद्धाओं और फेयरलेस वॉल्केरीज आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार हमें हजारों सालों से था। पिछले 1000 सालों से हमारे और जोरलाइन के बीच की चल रही वॉर ने इस सेलिब्रेशन के दिन को रोक रखा था पर आज हमने जोरलाइन पर जीत हासिल की है और वो दिन आ चुका है जब हमारे प्यार ऑल फादर ओडिन कहते हैं कि अब अगले 1 महीने तक सेलिब्रेशन होगा। और सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है डांस से, गाने से, दारू से और साथ ही सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स के फाइट से। और इसकी शुरुआत करेंगे द फोर विंड द ग्रेट जनरल्स ऑफ द वॉल्स बेल्डर लोकी थॉर एंड द ओल्ड लायन वोस्टेज। और इसके बाद इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू होती है जिसमें सबसे पहली लड़ाई बेल्डर और वोस्टेज की होती है और इसके बाद लोकी थॉर पर हमला कर देता है और इसी के हिसाब से लोकी उस मैच को हार जाता है भले ही वो उस पूरे के पूरे मैच के दौरान काफ़ी कुछ कह रहा था थॉर से। और उसी के बाद अगली मैच शुरू होती है बेल्डर और थॉर की जिसमें बेल्डर बड़े ही आराम से जीत जाता है पर फिर भी बेल्डर उसे कहते हैं भले ही मैं एस्गार्ड का ग्रेटेस्ट वॉरियर क्यों ना हूँ लेकिन फादर हैमर को सिर्फ तुम ही उठा सकते हो थॉर। और इसी बार बेल्डर थॉर से कहता है जरा मेरी इस विक्ट्री को थोड़ा लाल जवाब तो बनाओ। इसी के बाद थॉर अपने म्योनिर से थंडर स्ट्राइक करता है और वो कहता है आप सभी इस वक्त विटनेस बन रहे हैं बेल्डर द ब्रेव चैंपियन एंड द लवली सन ऑफ एस्गार्ड के। और इस सब चीज़ों को आई जायंट्स का लीडर मैमोट बड़ी ही सिद्धर से देख रहा होता है। इस चीज़ को काफ़ी वक्त बीत चुका है नॉर्थन जर्मनी 1939 अभी मैमोट कह रहा होता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मैंने तुम्हारे पुकार का जवाब दिया और मैंने ट्रू सन्स ऑफ जोटनाइन की एक आर्मी तैयार की और तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम हेवन पर हमला कर सके। तब जीमो कहता है प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है मैमोट हमारा प्लान तो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है पर वो सब कुछ यहीं पर से स्टार्ट होता है और इस रेनबो गेट से। तब मैमोट पूछता है आखिर हम हैं कहाँ पर। तब जीमो मैमोट को बताता है कि ये मिडगार्ड रेयर में। तब मैमोट कहता है ये तो श्रापित भूमि है ये तो बिल्कुल पागलपन है और तुम इसे एक आर्मी कहते हो जो कि कुछ लोहे के टुकड़ों से पकड़ करके इतने छोटे छोटे इंसान जो हमारे साथ एस्गार्ड के वॉल्स को तोड़ने के लिए आएंगे मैं उन पर हजारों सालों से हमला कर रहा हूँ मैं अपने टाइटंस को लेकर के भी उन्हें हरा नहीं पाया था और तुम मुझे ऑफर करते हो मैं। तब जीमो कहते हैं मैं तुम्हें विक्ट्री ऑफर कर रहा हूँ मैमोट और विक्ट्री के साथ नॉलेज आती है और अगर तुम्हें ये यूज़ करना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जीत दिला सकता हूँ और क्या तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो जो हमें जीत दिलाएगा। तब मैमोट उसे कहता है मुझे दिखाओ और तब जीमो बॉक्स को खोलता है और वो रून स्टोन्स को निकालता है उससे। इस वक्त से कई 100 सालों पहले एस्गार्ड में अभी ओडिन थॉर को बता रहा होता है इन नॉन स्टोन्स के बारे में और ओडिन थॉर से पूछता है जो तुम देख रहे हो क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तब थॉर कहता है ये नॉन स्टोन्स हैं इनके अंदर एस्गार्ड की पावर्स बसती है। तभी ओडिन का एक रेवन कहता है ये एक झूठ है। तभी दूसरा रेवन कहता है ये वो झूठ है जिसके अंदर सच छुपा हुआ है। तब ओडिन कहता है हाँ कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं हर किसी को नहीं बता सकता पर सच्चाई एक बाप और उसके बेटे के बीच तो हो ही सकती है। और तभी थॉर अपने म्योनिर की ओर देखने लगता है। तब ओडिन से पूछता है कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है।
तब ठौर कहता है, म्योनिर ये हैमर जो आपने मुझे दिया था फाइनल बैटल में जब हमने जोटनैन की दीवारें तोड़ी, ये ऐसा लगा कि ये जिंदा हो उठा है। इसकी पावर अनइमेजिनेबली है, मैं बता नहीं सकता। इसकी अनएंडिंग लाइटनिंग, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर हर वक्त जा रही है। मैंने हर किसी को हराया जिसे भी मैंने फेस किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और इन कहते हैं तुम अनस्टॉपेबल थे। तब थॉर कहता है, हाँ तुम एक फोर्स ऑफ नेचर थे। तब थॉर कहता है, हाँ पर कैसे। तब ओरिन उसे कहता है, ये हैमर, ये नॉन स्टोन, ये सभी एक चीज से बने हुए हैं, ये बस अवतार्स हैं उस पावर के जो इस प्लेस में बसी हुई है। तब थॉर कहता है, तो मैंने जो फील किया था वो पावर वो एस्गार्ड था, पर आपने तो कहा था। एक मिनट, आप हंस क्यों रहे हो। तब ओरिन कहते हैं, रैग्नारोक एक न एक दिन आएगी थॉर, और ये होगा ही, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस इतना है कि एसगार्ड में कोई पावर नहीं है, एसगार्ड के बाहर भी कोई पावर नहीं है, जो कुछ भी है वो ओडिन है, और ऑल फादर के बिना ये पूरी की पूरी जगह कुछ ही सेकेंड्स में ढह जाएगी। उन स्टोन्स का सीक्रेट तुम्हारे म्योनिर के अंदर क्या है, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, मैं ही एसगार्ड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम सब में हूँ जो आखिरी में सर्वाइव करेगा। तब थॉर कहते हैं, मैं इस टॉपिक के लायक नहीं हूँ, बेल्डर या लोकी शायद। तभी ओरिन कहते हैं, चॉइस तुम्हारी नहीं होती। तब थॉर कहता है, पर इसमें मेरी क्या ज़रूरत। तब ओरिन कहता है, तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है थॉर सन ऑफ ओरिन, तुम बहुत ही ज़्यादा पावर को वेल्ड करने के लिए ही जन्मे हो, और वो भी अच्छे काम के लिए, तो इसीलिए अपने किस्मत पर भरोसा करो, वो तुम्हें राह जरूर दिखाएगी। प्रेजेंट में थॉर लीप कह रहा होता है, वो सब कुछ जा चुका है, अब मैं फिर से कभी भी लाइटनिंग को बुला नहीं सकता क्योंकि म्योनिर जा चुका है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं जाता थॉर, तुम्हें सिंपली इसे फिर से ढूंढना होगा। तभी डॉक्टर बैजरॉक कहते हैं, मैं आखिर इस तरीके की सिचुएशंस कैसे डील करूं, जब मुझे कितना बड़ा डिसीजन लेना है और एक ऐसा सिचुएशन है मेरे सामने जिस ऐसा कभी किसी के साथ हुआ भी होगा। तब ब्रायन कहते हैं, अमेरिकन ने कैप्टन अमेरिका को एक बर्फ में जमा हो पाया था, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में, और आप हो यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम के हेड डैड, आप कुछ भी कर सकते हो इसका, और वैसे भी यूरोपियंस ने इस पर काफ़ी पैसे लगा लिए हैं पहले ही। तब डॉक्टर बैद्रोक कहते हैं, तो मेरे पास कुछ है। अब से काफ़ी पहले एसगार्ड में लोकी इस वक्त अपनी माँ से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जोटनैन के डिस्ट्रक्शन के बाद उसकी माँ अब तक एक शब्द भी उससे नहीं कही थी, और जब लोकी से कन्वेंस करने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम कहती है कि उसे नॉन स्टोन चाहिए सारे के सारे। और तब लोकी कहता है, लेट द केओस बिगिन। नॉट इन जर्मनी 1939 बैरन जीमो अभी एसगार्ड के लिए गेट खोल रहा होता है अपने नॉन स्टोन्स का यूज करके। मोहम्मद अपने सारे सोल्जर्स और साथ ही में जीमो के सारे सोल्जर्स को भी तैयार होने को कहता है, उनसे कहता है वो अब आगे चलो, वेंजेंस को सभी के सामने आने दो। और जब पोर्टल खुल जाता है तब आर्मी उसके अंदर जाने लगती है। तब जीमो अपने एक सोल्जर से कहता है, तुम्हारे ऑर्डर्स। तब वो कहता है, मेरे पास पैकेज है सर, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तब जीमो भी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और उसे कहता है, हमेशा लॉयर रहना हेलमेट, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ही बचा होता है, और बाकी सारे उस पोर्टल के जरिए इस वक्त एसगार्ड के रास्ते में आ जाते हैं। एक सोल्जर कहता है, किसी ने रास्ता रोक रखा है बैरन। तभी एक और सोल्जर कहता है, एक आर्मी वहाँ पर खड़ा है। पर एक और सोल्जर कहता है, वो कोई सोल्जर नहीं है। तभी उन सोल्जर्स में से एक कहता है, ये द माइटी हेमदाल द वॉरियर, जो एसगार्ड के रास्तों को गाइड करता है, और ये हमें पास होने तो देने वाला नहीं। तभी कुछ जाइंस उसे लड़ने के लिए जाते हैं, पर हेमदाल उन्हें काट डालता है अपने फ्रॉस्ट जाइंट का बदला लेने के लिए। मैमोट भी हेमडाल से डरने लगता है। तभी जीमो अपने वेपन को मंगाता है जो कि बो एरो थे, और इसी के साथ वो हेमडाल पर हमला कर देता है। और इसी के साथ जीमो अपना मास्क उतारते हुए कहता है, अब एसगार्ड का रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है, और लोकी सन ऑफ ओडिन लॉर्ड ऑफ केओस वापस आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि इतने टाइम से जिसे हम जीमो समझ रहे थे वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे द लॉर्ड ऑफ केओस लोकी हैं। इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। दरअसल हमारे इस इशू में तीन स्टोरीज चल रही हैं अलग अलग टाइम की, जो कि पहली है
हाई कमान यानी कि यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हाई कमान, जहां पर अभी थॉर लीफ गोल्डन मैन को एक सब्जेक्ट के रूप में चूज किया गया है उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आए हुए होते हैं। दूसरी टाइम है एसगार्ड कई सौ सालों पहले, इस वक्त थॉर को म्योनिक दिया गया होता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब इसके बाद का जो टाइम है वो है नाजी जर्मनी का 1939 का, यानी कि ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर टू का। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लास्ट एपिसोड में किस तरीके से बैरन जीमो के कैरेक्टर को अब लोकी भैया जी पूरी तरीके से हड़प चुके थे, और इस यूनिवर्स में अल्टीमेट यूनिवर्स में लोकी की ट्रू आइडेंटिटी है लोकी लॉर्ड ऑफ केओस। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ओडिन की रेवन के मौत से, और इसके बाद मैमोट इस वक्त हेमलाल का खून एक प्याले में निकाल करके नाजी सोल्जर्स को पिला रहा होता है। और अब तक लोकी ने कई सारे नॉन स्टोन्स को अपने सोल्जर्स को दे दिया था, और मैमोट जैसे ही कहता है ये सभी रेडी हैं तो लोकी उन्हें हमला करने को कहता है और वो एसगार्ड के बॉस पर हमला करने लगते हैं। थॉर इस वक्त देख रहा होता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, और इसके बाद ओडिन कहते हैं लगता है तुम्हारा भाई निकाले जाने के बावजूद वापस आ चुका है। इसी के बाद एसगार्ड में कई सौ सालों पहले ओडिन के चेम्बर में इस वक्त लोकी नॉन स्टोन्स को लेने आया हुआ होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, अगर ये सच में तुम ही हो तो प्लीज़ रुक जाओ। तब लोकी अपने बो एंड एरो से उस पर कई सारे अटैक्स कर देता है। तब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं इसका सबसे बड़ा भाई बैदलर था। बैदलर लोकी को समझाने की कोशिश करता है पर लोकी नहीं मानता, और वो कहता है नहीं मैं हमेशा से ऐसा ही था, एसगार्ड ने मुझे बदल लिया था कुछ टाइम के लिए। तब बैदलर कहता है तो ऐसे में तो मैं ही पागल था, मैं ही होप कर रहा था कि तुम बदल जाओगे, शायद मैं ही गलत था पूरी वक्त, पर अब शायद तुम अपने इस रास्ते को और ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, पर यह रास्ता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की ओर लेकर के जाता है। तब लोकी उसे पूछता कि तुम ये सब कैसे जानते हो बैल्डर। तब बैल्डर कहता है मेरे पास ओडिन की सब कुछ देखने वाली आंखें हैं, आगे के दिन भी मेरे लिए कोई मिस्ट्री नहीं है। तब लोकी कहता है तो मुझे बताओ भाई, अपने इन गिफ्ट का यूज़ करके मुझे बताओ कि मेरा फ्यूचर आखिर कैसा होने वाला है। तब बैल्डर कहता है एसगार्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी माँ मारी जाएगी, और साथ ही में तुम्हें अनंत काल तक कर लिए दर्द मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही एसगार्ड और ना ही तुम भी हार जाओगे, और आने वाले कल में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। तब लोकी कहता है अच्छा तो तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या दिखता है। तब बैल्डर कहता है ये तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। पर तभी लोकी अपने एरो का यूज़ करके उसे के आंखें ही फोड़ डालता है, और इससे उसकी मौत हो जाती है। लोकी वहां से चला जाता है। अब एसगार्ड में 1939 इस वक्त क्रॉस जाइंट्स और मेंस की आर्मी एसगार्डियन आर्मी पर भारी पड़ रही होती है। थॉर ओडिन को बचाने के लिए अंदर की ओर जाता है, और बाकी सारे सोल्जर्स क्रॉस जाइंट्स से लड़ने लगते हैं, और वो भी एसगार्ड के लिए। यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम प्रेजेंट में इस वक्त ब्रायन कह रहा होता है मेरे ओपिनियन में ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है ब्लेक, तुम जितना भी समझ चुके हो मुझे नहीं लगता कि ये सही सिचुएशन है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तब ब्लेक कहता है पर मैंने जिस तरीके से सब कुछ देखा है और जिस तरीके से ये सब पाया है मेरे पुराने सारे केसेस में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही गलती करके उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपने फ्यूचर को किस तरीके से दबा देते हैं और सारी की सारी सच्चाई को भी। अभी थॉर्लीव के पास प्रोफेसर बैदरोग बैठे हुए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर सारे के सारे टेस्ट भी क्लियर हो चुके हैं पर किसी कारण से मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक गॉड का रीबॉर्न हो एक मैं इंसान के तौर पर। तब थॉर्लीव कहता है कि कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं। तब डॉक्टर बैदरोग कहते हैं यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सोशलाइटिकल प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। EUSS में सारे के सारे इंजीनियर्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को अगले स्टेप में लेकर के जाए, पर तुम जानते हो हमारी कैपेबिलिटीज़ किसी भी एक इंसान को काफ़ी हद तक पावरफुल बना सकती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी पहुंचा सकता है अगर उसे सही तरीके से यूज़ ना किया जाए। तो तुम क्या कहते हो, तुम एक गॉड हो और तुम सिर्फ सच्चाई का ही साथ देना चाहते हो, तो क्या कहते हो तुम। तब थॉर लीफ अपने उस बेड से उठता है, और वो कहता है
मैं जब एक बच्चा था तब मेरे फादर मुझे एक पहाड़ के ऊपर लेकर के गए और वहाँ ब्रैक सन के पास हम बैठ करके एसगार्ड को देख रहे थे। तब मेरे डैड ने मुझसे पूछा था, थॉर मुझे बताओ आखिर तुम क्या देख सकते हो। तो मैंने उनसे कहा था कि एसगार्ड हमारा घर, एक ऐसी जगह जहाँ पर इटर्नल हैप्पीनेस है। तब उन्होंने कहा था कि ये एक इल्यूजन है, तुम जो देख रहे हो एसगार्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी गारंटी या फिर हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है जो कि हम तुम मेरे अंदर तुम्हारे अंदर हम सभी के अंदर आगे फ्यूचर में भी होगा। ये वो है जिसके बारे में तुम आगे जा कर के अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हें बस अपने आइडियाज़ अपने एक्शन के जरिए इस जगह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। तब थॉली प्रोफेसर बेदरॉक से कहता है, तो आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं प्रोफेसर। तब प्रोफेसर कहते हैं, तो ठीक है, तो क्या हम अब ये करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर एसगार्ड में 1939 इस वक्त थॉर जैसे तैसे करके फ्रॉड जाइन से बचते हुए ओडिन के पास आकर के उसे बताता है कि वो सब आ चुके हैं, उन्होंने हमारे काफ़ी आउटर वॉल्स पर कब्जा कर लिया है। पर तभी थॉर के ऊपर एक एरो आकर के लगता है और तब ओडिन कहता है, लोकी तुम आ चुके हो। तभी लोकी सामने आता है और वो कहता है, हेलो फादर, तो मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने साथ जाइंट्स और मैं दोनों की आर्मी लेकर के आया हूँ। तब ओडिन कहते हैं, ये काफ़ी नहीं होने वाला। और इसी के साथ वो लोकी को वर्ल्ड ट्री के अंदर घुसा देते हैं और वो कह रहे होते हैं, हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तुम्हारे हर एक एक्शन का तुम्हें एक हर्जाना भरना होगा और ये बेल्डर के लिए है। थॉर नीचे से कह रहा होता है, फादर आप ये क्या कर रहे हैं। पर ओडिन अब भी लोकी को वॉल्ट्री के अंदर घुसा रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुमने अपने भाई को मार डाला और ये उसकी पेमेंट है, तुम यहाँ पर अनंत काल तक रहोगे एक ऐसे रूम में जिसके दरवाजे ही नहीं हैं। और लोकी धीरे धीरे करके वॉल्ट्री के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही ओडिन नीचे आते हैं, थॉर उनसे पूछ रहा होता है, या आखिर आपने क्या कर दिया। तब ओडिन देखता है कि उसके पास मैमोट आ रहा होता है और वो अचानक से एक बहुत ही बड़े भेड़िए में बदल जाता है और वो ओडिन को चबा डालता है। ये देख कर के थॉर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस भेड़िए को वहीं तोड़ डालता है। और तब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एसगार्ड और इसके साथ वर्ल्ड ट्री भी जर रहा होता है। थॉर ओडिन के पास आता है और ओडिन उससे कहते हैं, देखो। और थॉर देखता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री और सब कुछ खत्म हो रहा होता है। ओडिन अपनी आखिरी सांसों में कहते हैं, मैं मर रहा हूँ एसगार्ड के साथ, पर याद रखना मैं हमेशा तुम में तुम सब में जीऊँगा। और इसी के साथ ओडिन की मौत हो जाती है। ओडिन की मौत को कुछ सेकंड से गुजरे थे कि लोकी की आर्मी भी वहाँ आ जाती है। थॉर अपने म्योनिर को पकड़ता है और अपने फादर का नाम लेकर के उस म्योनिर को एक बार घुमाता है और ये कॉमिक यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके आखिरी इशू में हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्टीमेट थॉर को उसकी नई पावर्स मिलती हैं। इस वक्त डोनाल्ड ब्लेक थॉर को उठने को कह रहा होता है, एक्चुअली थॉर लिप को उठने को कह रहा होता है, उसे आंखें खोलने को कहता है। तब थॉर लिप कहते हैं, मुझे याद आ गया, वो पूरी वॉर, वो सारी धोखेबाजियाँ और ये सब चीज़ों का एंड शायद वो अच्छे के लिए हुआ था, मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। तब डोनाल्ड ब्लेक कहता है, फाइनली क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूँ। तब थॉर लिप कहता है, यहाँ के लोग तुम्हें डोनाल्ड ब्लेक कहते हैं। तब डोनाल्ड ब्लेक कहता है, हाँ वो कहते हैं, पर मेरा रियल नाम क्या है। और तब हम देखते हैं कि और कोई नहीं, बेल्डर द ब्रेव यानी कि थॉर का भाई था। और इसी के साथ थॉर उसके गले लग जाता है और वो कहता है, गॉस मुझे अब याद आ गया, आखिर तुम यहाँ कैसे। तब बेल्डर कहता है, जैसे कि तुम रिबॉर्न हुए थे पर्पस के साथ, मैं भी हुआ था। तब थॉर लिप कहता है, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, आखिर हम मतलब यहाँ चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी समय से सोया हुआ था, अभी अचानक से उठ रहा हूँ। तब बेल्डर कहता है, हाँ क्योंकि तुम सच में सोए हुए थे, वर्ल्ड ट्री की जली हुई राग सारे के सारे एसगार्ड के रूम्स पर फैली हुई है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा विंटर फैला हुआ है वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, पर ऑल फादर वापस आएंगे जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और द वर्ल्ड ट्री फिर से खिल उठेगा, ओडिन फिर से रिबॉर्न होंगे और साथ ही में हमें एसगार्ड तक ले जाने वाला रेनबो ब्रिज
फिर से वापस आएगा, और तब तक हमें यहाँ अर्थ पर रह करके हमारा काम पूरा करना है। तब थॉलीप पूछता है, कैसे? तब डोनाल्ड कहता है, क्योंकि फादर ने हमें एक साथ दो वर्ल्ड्स को रिक्रिएट करने के लिए ही यहाँ रिबॉर्न करवाया है। तब थॉलीप कहता है, आखिर तुम इन सब बातों को कैसे समझ पा रहे हो? तब बेल्डर कहता है, देखो मैं ओडिन की आंखें हूँ, उनकी विजन मेरे अंदर रहती है, और तुम थॉर तुम्हारे अंदर उनका हार्ट है, और तुम हमेशा से उसे सहेजे हुए हो। तुम जहाँ तक जानते हो अब समय आ चुका है इस वर्ल्ड को चेंज करने का छोटे भाई। तब थॉलीप कहता है, पर मुझे कभी भी इस बात पर यकीन नहीं था बेल्डर, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि इसके मैं काबिल ही नहीं हूँ, और अब जब मेरे पास कोई पावर तक नहीं है, मैं एक मॉर्टल मैन हूँ, तो मैं उस रास्ते को देखने तक के काबिल नहीं हूँ जो इस फ्यूचर की तुम बात कर रहे हो। तब बेल्डर कहता है, एक रास्ता खुद ही हमारे सामने आ जाएगा जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। तब थॉर कहता है, तो तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे? तब बेल्डर कहता है, हम जिएंगे भाई, हम जिएंगे, हम मेरे साथ आओ, क्योंकि वो लैब में हमारा इंतजार कर रहे हैं, और तब हम देखते हैं कि इस वक्त प्रोफेसर बेदरॉक और उसकी पूरी की पूरी टीम एक स्पेसिफिक सूट पर काम कर रही होती है। और उसके बाद ब्राइन थॉलीप से पूछता है, आखिर तुम कैसे फील कर रहे हो थॉर? तब थॉलीप कहता है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ ब्राइन, थैंक यू। तब ब्राइन कहता है, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तब थॉलीप कहता है, ये प्रोफेसर के ओरिजिनल डिजाइन से तो काफ़ी अलग लग रहा है। तब प्रोफेसर बेदरॉक कहते हैं, हाँ हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए और फाइनली इसको अस्यूम किया, क्योंकि ये काफ़ी हद तक तुम पर फिट बैठेगा, और साथ ही में ये तुम्हारे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंड्यूरेबिलिटी और साथ ही में कई सारे और भी चीज़ों को सेट रखेगा। तभी डॉक्टर रॉबर्टसन आगे बताते हैं कि ये तुम्हारे पोटेंशियल पावर यूनिट है, जिसके जरिए तुम 4-डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन इंजन का यूज़ करके वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हो, और इसी के साथ एनवायरमेंटल इलुलाइजेशन कर सकते हो। तभी थॉलीप कहते हैं, लाइटनिंग? रॉबर्टसन कहते हैं, काफ़ी सही कहा तुमने, पर अभी भी हम एक डेड एंड डिजाइन की ओर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिफिकल कन्वर्टर के हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो तुम्हें आधे से ज़्यादा पावर्स देगा, वो सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है, और हम अभी भी इस चीज़ पर काफ़ी हद तक अटके हुए हैं। तब भी प्रोफेसर बेदरॉक देखते हैं कि बेल्डर हंस रहा होता है, और उससे पूछ लेता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तब बेल्डर कहते हैं, डॉक्टर मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तब डॉक्टर रॉबर्टसन उनसे पूछते हैं, क्या सच में? तभी थॉर एक हैमर बना देता है और उनसे कहता है कि मेरे लिए बस एक हैमर बना दो। इस चीज़ को हुए लगभग 8 महीने बीत चुके होते हैं, और इस वक्त अल्टीमेट टीम फॉर्म हो चुकी होती है, जो कि सिल के नेतृत्व में बनाई गई थी, जस्ट लाइक अवेंजर्स। और इस वक्त थॉर का इंटरव्यू जूडी नाम की एक रिपोर्टर ले रही होती है, जो उससे सिंपली पूछ लेती है, तो आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, पर ये काम जो आप कर रहे हो, लोगों को पानी पहुँचाना, इस तरह की चीज़ें और कोई भी कर सकता है। आप जैसे कि जानते हो यहाँ पर और भी बड़े बड़े खतरे हैं, तो क्या आप अल्टीमेट ज्वाइन कर रहे हो? तब थॉरली कह देता है कि मेरे पास ऑफर तो आया था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया, और तब और उनके भी थोड़ी और बातचीत होती है, पर आखिर में थॉरली थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कहता है, आखिर में मैं समझता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाते हैं, मैं इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता हूँ, एक अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। पर अभी हम देखते हैं कि जहाँ थॉरली का इंटरव्यू हो रहा होता है, वहाँ पर अभी बेल्डर आ जाता है, और वो थॉरलीप की ओर देखता है। तब थॉर कहता है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इन सब के एक हफ्ते बाद ऐसा लग रहा है कि नॉर्वे में किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर थॉरलीप बैठा हुआ है, और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, और तब हमें दिखाई देता है 1 महीने पहले का एक सीन, जिसमें थॉरलीप इस वक्त निक फ्यूरी से मिलने को आया हुआ होता है। निक फ्यूरी उसे भाषण देता है किस तरीके से मैं तुम्हें करियर की एडवाइस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये वो कर सकता हूँ, पर आखिरी में निक फ्यूरी उसे सिंपली कहता है कि इस वक्त तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो इस वर्ल्ड में और भी कई बड़े थ्रेट्स हैं जिनका सामना सिर्फ तुम जैसे लोग कर सकते हो, और थ्रेट भी लगभग तुम जैसे ही होंगे। पर थॉरलीप उस ऑफर को भी मना कर देता है। इस वक्त निक फ्यूरी ही थॉरलीप से मिलने को आया हुआ होता है, और वो कहता है, आखिर तुम्हें मेरे कॉल का जवाब तो देना चाहिए था,
इन सब के लगभग एक हफ्ते बाद इस वक्त जर्मनी में हेलमुट अपने उन पुराने दिनों की याद करता है जब बैरक जीमो से बताता है किस तरीके से तुम लॉयर रहना और मेरे इस काम को हमें किसी भी हाल में पूरा करना। और तब हम देखते हैं कि इस वक्त हेलमुट वापस वहीं पर आया हुआ होता है और वो रून स्टोन्स की उन सीक्वल वाइज के बारे में सोच रहा होता है जिनमें तीन क्लीन के सीक्वल्स होते हैं जो कि एक बार किसी एक जगह की पोर्टल को खोल सकते हैं और इस हिसाब से वो 7 जगहों के पोर्टल को खोल सकते हैं, पर आखिरी के जो नॉन स्टोन किसी रैलम का पोर्टल नहीं खोलते। वो आखिर के तीन नॉन स्टोन एक ऐसी जगह का पोर्टल खोलते हैं, एक ऐसे रूम का पोर्टल खोलते हैं जो बिना दरवाजों की होती है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि लोकी को ओडिन की उस कैद से आज़ाद कर देता है। हेलमुट उसके सामने झुकता है और कहता है, अब आगे क्या मास्टर? तब लोकी कहता है, अब मैं ज़रा मज़े करूँगा। इसके दो हफ्ते बाद ट्रांसल्यूशन में उनके पास एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है। इस वक्त नॉर्वे में हेलमुट की लाश थॉर और बैल्डर को मिल चुकी होती है। थॉर सीधे कह देता है, ये लोकी का काम है। तब बैल्डर कहता है, हाँ अगर वो फ्री हो चुका है तो उसके पास अब भी उसकी गॉड लाइक पावर्स हैं और अभी वो काफ़ी कुछ कर सकता है। इस वक्त निक फ्यूरी कैथलेटिक्स मांगता है, तभी उन्हीं ऑफिसर्स में से एक कहता है, ये काफ़ी जल्दी होगा सर, क्योंकि हमने कंफर्म किया है कई सारे रिपोर्ट से। और तब निक फ्यूरी उनसे विजुअल इफेक्ट मांगता है, तब उन्हीं में से एक कहता है, ये हो रहा है। और तब हम देखते हैं कि इस वक्त रॉबर्ट ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो करके पूरी तरीके से अपना आपा खो चुका था। और निक फ्यूरी कहते हैं, व्हाट द हेल वेयर यू थिंकिंग बैनर? वहीं नॉर्वे में इस वक्त बेल्डर कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का सही बैलेंस होना ज़रूरी है। तभी निक फ्यूरी को उन्हीं ऑफिसर्स में से एक कहता है, अल्टीमेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, शायद वो हल्क को अब संभाल लेंगे। और तब निक फ्यूरी भी एक बहुत ही विलेनियस लुक के साथ कहता है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पर हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अल्टीमेट्स का भी हल्क को रोकना इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इन सब कुछ को देखते हुए डोनाल्ड थॉर से कहता है, तुम हमेशा से एक अच्छे आदमी बने रहे हो और हमेशा एक अच्छा आदमी अच्छे काम करना चाहता है, पर तुम हमेशा अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक करते थे। तब थॉर कहता है, शायद अब इसका एंड होने का टाइम आ चुका है। तब ब्लेक कहता है, तो मुझे एक आखिरी बार सुनना है, क्या तुम किस्मत पर भरोसा करते हो या फिर तुम्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तब अल्टीमेट थॉर कहता है, मैं अपने फादर का बेटा हूँ और ये वर्ल्ड अब मेरी प्रोटेक्शन में है। कैप्टन अमेरिका इस वक्त हल्क से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन हल्क अपने एक ही घुसे से कैप्टन को नीचे कर देता है। ये बात निक फ्यूरी को भी पता चल जाती है और वो कहता है, न्यू तैयार हो जाओ, अगर तुम गॉड पर भरोसा करते हो तो सोल्जर्स किसी मिरेकल के लिए ही प्रे करो। तब वहीं डोनाल्ड ब्लेक उस और कह रहा होता है, तुम जानते हो ना, तुम्हारी पावर्स बियॉन्ड है और ये सब भी जब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? तब थॉर कहता है, तो भाई तब मैं थंडर लेकर के आऊँगा। और इसी के साथ वो हल्क पर हमला कर देता है और ये कॉमिक ब्लीप के साथ ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी और सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।